मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर बेल आइकन भी करें। इस मेरी पूरी वीडियो वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। नमस्कार, इंडियन फूड लक्ष्मी के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि साग कैसे काटते हैं। आप कोई सा भी साग ले लें, तो यहाँ मैंने चौलई वाला साग लिया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, चौलई का, पालक, मेथी, बथुआ, कुछ भी ले सकते हैं। वैसे तो सभी लोगों को आता है, लेकिन जो नए नए, जिसकी नई नई मैरिड होती है, नई नई शादी होती है, शायद उनको नहीं आता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो साग को मैंने साग को अच्छे से साफ धो लिया था, और मैंने जो कीड़े से पत्ते हैं वो नहीं लिए, सब हटा दिए। साफ साफ पत्ते लिए, जो ऊपर की डंडी है वो भी मैंने हटा दी है, और सॉफ्ट वाली डंडी ली है। तो मैं क्या करूँगी, सबको एक जैसे ऐसे ले लूँगी हाथ में, और नाइफ से बड़ी आसानी से काट सकते हैं साग को। वैसे सबको ही आता है, लेकिन जो नई नई मैरिड होती है, जिसकी न्यू न्यू, तो उनको नहीं आता है। तो ऐसे करके सारा इकट्ठा कर लेंगे हम यहाँ पे, ऐसे ऐसे सारे एक करके बना लेंगे, तो काटने में बहुत ज़्यादा अच्छे से बारीक भी कटेगा। तो मैं यहाँ ऐसे सारा इकट्ठा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ऐसे पूरा इकट्ठा कर लिया है, हाथ में ऐसे ले लिया है। तो मैं क्या करूँगी, जो मतलब बिल्कुल पास में लेके मैं काट के दिखाती हूँ आपको। तो मैं यहाँ थाली ले लेती हूँ, आप कोई भी ले सकती हो। मैंने इसको अच्छे से धो लिया और इस चल्ली में रख दिया था, पानी इसका निचोड़ गया था, कटोरी नीचे रख दी थी। और ऐसे ही साग को पहले धोए, अच्छे साफ करें, फिर अच्छे से धोए और ऐसे रख दें। और तुरंत नहीं काटना चाहिए, पानी पानी रहता है तो हाथों में पानी अजीब से चिपक जाता है, तो थोड़ा पानी को निचोड़ने देना चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम जो आगे का है पहले ऐसे से हल्का सा कर लेंगे, मतलब एक लेबल में कर लेंगे साग को ऐसे, फिर धीरे धीरे ऐसे करके, तो थोड़ा थोड़ा साइड साइड से ऐसे करके, ऐसे ऐसे आप नाइफ से बारीक काट सकते हो ऐसे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, फिर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऐसे कट कर सकते हो। और जो नए नए हैं तो प्लीज़ हाथ बिल्कुल बचा के करना, क्योंकि हाथ नाइफ से जल्दी कट जाता है साग के लिए। तो बिल्कुल, तो मैं थोड़ा आपको दिखा रही हूँ, नहीं वरना मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके जितना कट जाए उतना आप बड़ा बड़ा के काट सकते हो। थोड़ा ऐसे साइड साइड से कर ले, वैसे तो सभी को आता है, जिसकी न्यू न्यू मैरिड होती है तो उनको नहीं आता, तो वो सीख सकते हैं ऐसे करके। और जो बैचलर वगैरह होते हैं वो खुद ही खाना बनाते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो लोग भी, उनके लिए भी ये यूजफुल वीडियो है बिल्कुल। तो ऐसे करके धीरे धीरे से कट कर सकते हो, देखो कितना बारीक कट रहा है नाइफ से। थोड़ा सा हाथ बचा के, और ऐसे जितना हो जाए तो फिर आगे बढ़ा दो इसको, फिर साइड साइड से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ले लेके ऐसे धीरे धीरे, और थोड़ा हाथ बचा के, फिर इतना कट गया ना, फिर थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे से लेके ऊपर ऐसे कर दो, फिर ऐसे कट कर दो। जब ये ऊपर से पूरा कट जाए तो फिर से बिल्कुल ऐसे लगे कि एक लेवल हो गया है, तो फिर से नीचे से पकड़ा और ऐसे कर दिया बस। तो फिर से यहाँ काट देती हूँ मैं ऐसे ऐसे करके, आराम से साग कट जाता है। कोई सा भी साग काट सकते हो आप ऐसे करके। तो ऐसे करके आप साग आराम से काट सकते हो। तो मैं काट के पूरा दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे ये कट गया है मेरा साग। तो जैसे कि जो पीछे का रह जाता है, तो आप अगर कोशिश करना काट सको तो धीरे धीरे ऐसे करके काट सकते हो, नहीं तो फिर क्या करें, इसको छोड़ दें और इसी में और मिक्स करके आप फिर से कट कर सकते हो। दिखाती हूँ मैं, ऐसे बच गया है जो लास्ट का, तो आप इसमें से और ऐसे सेट कर करके ऐसे करके ऐसे करके इसके बीच में लेके, ऐसे बीच में लेके आप इसको, और इसको फिर से कट कर सकते हो ऐसे लेके, तो बड़ी आसानी से कट जाता है। मैं काट के दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ ले ली, तो फिर से मैं ऐसे धीरे धीरे कट कर लूँगी।
ऐसे मिक्स मोड़ती जाऊंगी जो एक्स्ट्रा का साइड साइड से, तो बड़े आसानी से कट जाएगा। धीरे धीरे लेवल मिला के काटती रहूंगी ऐसे, और थोड़ा प्लीज हाथ बचाना। और जो कई लड़कियों को नहीं आता काटना, तो ऐसे करके आप ऐसे धीरे धीरे करके कट कर सकते हो, कितना बारीक कट रहा है। एक बार थोड़ा सा अजीब लगेगा, फिर जब आप कट करने लग जाओगे तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। नीचे से खिसकाते जाइए और ऐसे लेके, ऐसे भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लीजिए और थोड़ा सा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, ऐसे धीरे धीरे आप ऐसे कट कर सकते हैं पूरा। तो यहाँ हमारा साग बिल्कुल कट गया है, बिल्कुल बारीक कटा है एकदम। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज़ लाइक चिपका देना।